बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला आपको खुशकुरम रखे। आपके सामने हाजिर खिदमत उस्ताद गुलाम रसूल। मैं जी आपका आज आपके लिए मौजू है कि सैलेज कुर्बानी के बकरों के लिए कितना अहम है और कितना मुफीद है, इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल मालूमात देता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद भी करें। और मैं गुजारिश करता हूं कि आप अगर बकरों को सैलेज खिलाएंगे और सैलेज पूरा साल खिलाएं, बेशक खिला सकते हैं और इंतहाई फुल पावरफुल खुराक है और इंतहाई हाजमुदा। और इसके अलावा डेली की बुनियाद पर थोड़ा बहुत खुश्क चारा, मतलब खुश्क भोंसा, छोला, मूंगी और इसके अलावा और भी बहुत से ग्वारा, मूँगफली वगैरह हैं। खुश्क भोंसा थोड़ा बहुत एक बार चौबीस घंटों में डालना है, बकाया आप सैलेज खिलाएं। एक तो जो बकरे होते हैं कुर्बानी वाले, उनके पट्ठों के, मैदे के हर किस्म के मसाइल बनते हैं, चूँकि वो अच्छी खुराक खा रहे होते हैं। लेकिन आप सैलेज खिलाएंगे, सैलेज एक ऐसी चीज़ है जैसे ये जिस टाइम तैयार हो जाता है तो ये एक अचार की तरह हाजमुदा बन जाता है और जानवर ज़्यादा से ज़्यादा खाता चला जाएगा। और दोस्तों को पता है कि जो बकरियां बकरे कुर्बानी के लिए हम रखते हैं और आखिर में तीन माह में बकरे खुराक खानी छोड़ देते हैं, वो चूँकि उनका हाजमा भर जाता है। लेकिन ये जो सैलेज है ये इतना एक हाजमुदा है ताकत के साथ साथ कि आपका जानवर कभी भी इसको खाने से पीछे नहीं हटेगा। और जैसे दोस्तों को पता है, पहले जब आप नई खुराक इस पर लगाएंगे तो आपको गंदम का दलिया, चोकर वग़ैरह ये आप ऊपर लगा लें सैलेज के ऊपर। आप थोड़ा सा जब डालेंगे तो वो खाना शुरू कर देगा, आपको तीन चार हफ्ते, दो हफ्ते तक आपका बकरा खाना शुरू कर देगा। और आपके बकरा जब खाना शुरू करेगा तो आपकी यानी एक मुसीबतें टल जाएंगी और बड़ा आसान काम है। और आप अंदाज़ा लगा लें भोंसे से ये पड़ता भी सस्ता है और इसका यानी बकाया जात भी नहीं बनता, रेता भी नहीं होता। और ये इंतहाई अगर हमारे दोस्त ये बकरों को आदि करके कुर्बानी पे पालें, इंशाल्लाह ताला बकरे मोटे भी बहुत होंगे, कदकाठ भी बढ़ेगा और कुर्बानी पर उनकी इंशाल्लाह ताला अच्छी अमाउंट मिलेगी। और सैलेज खुश्क चारे से लेने में आसान भी है और बड़ा पूरे साल में खुला डुल्ला मिल भी जाता है। और भोंसे का सीज़न होता है, उसके अलावा नहीं मिलता और कीमत भी आसमान पर होती है। और यही मेरा आज का दोस्तों के साथ एक हकीर सा मशवरा है। और अगर दोस्त इस पर अमल करेंगे तो ज़रूर उनको फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह ताला ज़रूर करें। और ज़िंदगी वफा की आज इजाज़त लेंगे आज की इतनी वीडियो, अगली वीडियो तक इजाज़त लेंगे। अल्लाह ताला आपको खुशखुरम रखे। अल्लाह हाफिज़।